नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ गई है। भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी राज्यों में एक नया योजना आज ही लॉन्च कर दिया गया है। अब सभी के बैंक खाता में 10-10 लाख रुपया भेजा जाएगा जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे। यह योजना क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही कैसे इसके अंतर्गत आपको आवेदन करना है, कैसे आपके बैंक में पैसा मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। आज के दिन में ही इस योजना को लॉन्च कर दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। योजना का नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। यह योजना आज की डेट में यानी नया योजना 2024 में लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा, आज ही लॉन्च किया गया है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, कैसे आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसका वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है जहां से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं केवल 3 स्टेप में। योजना क्या है, कैसे फॉर्म भरेंगे, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप गूगल में लिख के सर्च करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना तो भर भर के आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारा पोस्ट मिलेंगे आज की डेट में। आज के न्यूज़पेपर में भी यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जरूर आप देख लिए होंगे, फ्रंट पेज में ही यह न्यूज छपी होगी। यहां पर देख सकते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना अब कम पैसे के चलते स्टूडेंट का अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर स्टडी का सपना नहीं टूटेगा। केंद्र सरकार ने बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए योजना शुरू की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुहर लग चुका है। यानी कि आप एक छात्र हैं या फिर छात्रा हैं, यदि आप पैसे की कमी की वजह से कोई कोर्स करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई डिग्री करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, हर एक कोर्स के लिए आपको पैसे दिया जाएगा। 10-10 लाख रुपए आपके बैंक खाता में दिया जाएगा बिना किसी गारंटर का। आपका गारंटर आपका मोदी बनेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, एक चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आज ही इस योजना को लॉन्च किया गया है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको अप्रूवल जल्द मिल सके, पैसे जल्द मिल सके। यहां पे देख सकते हैं इसके तहत सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन लोन यहां पे दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, लेकिन किनको दिया जाएगा, यहां पे एक कंडीशन लगा दिया गया है, यानी कि आपके परिवार की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है तब आप इस योजना का फॉर्म को भर सकते हैं। आप इनकम सर्टिफिकेट को 8 लाख रुपए से कम बनवा पा रहे हैं तो इस योजना का फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए आपके बैंक खाता में दिया जाएगा। कैबिनेट के मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। आज के दिन में ही यह जानकारी मिल गई है। आगे देख सकते हैं उन्होंने बताया कि सरकार इस पर 3% की ब्याज सब्सिडी देगी। यानी कि यदि आप इस योजना का फॉर्म भरते हैं तो आपके ब्याज में 3% की आपको सब्सिडी मिलने वाली है। यह पैसे केंद्र सरकार देगी और केवल इतना ही नहीं, इसके आगे भी आपको फायदा है, संपूर्ण ब्याज आपका माफ किया जाएगा। किनके लिए वो भी बताऊंगा। आगे देख सकते हैं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाला कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। इस योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस योजना के अंतर्गत यदि आप लोन लेते हैं किसी भी बिना गारंटर का आपको 10 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। ना ही आपको फी डिपॉजिट करना है एडवांस में सिक्योरिटी के लिए कोलैटरल फी, ना ही आपको गारंटर के लिए कोई चीज है आपको गिरवी रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। सारा गारंटर आपका मोदी बनेंगे, यानी केंद्र सरकार आपका गारंटर बनेंगे और उनके माध्यम से आपको यह पैसे आपके बैंक खाता में दिया जाएगा। स्टूडेंट की सालाना आय 8 लाख या इससे कम होना चाहिए, हर साल 1 लाख स्टूडेंट को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना से लोन दिया जाएगा। 7.5 लाख रुपए लोन तक के लिए भारत सरकार 75% क्रेडिट की गारंटी देगी। कैसे होगा आवेदन, इस टॉपिक पे भी बाद हम लोग करेंगे। यदि आपका सालाना आय वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम है तब आपको ब्याज में पूरी तरह से 100% सब्सिडी मिलेगी। इसकी भी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। आगे देख सकते हैं एजुकेशन योजना के तहत पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन योजना के तहत छात्रों को काफी आसानी से बिना किसी गारंटर का लोन मिल जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा डिजिटल माध्यम से आपका अप्लाई होगा, ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं भर सकते, ऑनलाइन अप्लाई होगा। कहां से होगा वो भी बताऊंगा। सबसे कम ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा, यदि आपका 8 लाख रुपए से कम है वार्षिक ब्याज तो आपको 3% उसमें सब्सिडी मिलेगी, यदि आपका 4.5 लाख रुपए से कम है तो आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं लगेगा इस योजना के अंतर्गत। आगे देख सकते हैं
यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि सभी बैंकों के द्वारा इसमें डिजिटल तरीके से आवेदन यहाँ पे करने का ऑप्शन आपके लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे बयान दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आज की कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत देश के 1,00,000 मेघावी विद्यार्थी के लिए 10-10 लाख लोन इसमें रियायत मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसके दायरे में आएंगे 22 लाख छात्र, यानी कि 22 लाख छात्रों को इस योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। 22 लाख छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्र छात्रा दोनों को उनके बैंक खाता में 10-10 लाख रुपए भेजा जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के दायरे में प्रमुख 860 हायर इंस्टीट्यूशन के 22 लाख से अधिक छात्र और छात्रा आएंगे। बता दें कि विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले विद्यार्थियों यानी छात्र छात्राओं को पहले से पूर्ण ब्याज, यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही विस्तार है, यानी कि 2020 में ही लाया गया था और इसको विस्तार अभी 2024 में किया गया है। आप सभी के लिए 24 में आज के दिन में ही इसे लागू कर दिया गया है। यानी आपका सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको ब्याज नहीं देना होगा। यानी आप 10 लाख रुपए लेते हैं इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए मिलता है तो उतना ही आपको बाद में लौटाना पड़ेगा। इसके बाद आपको 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लगेगा। अब इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस टॉपिक पे बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वेबसाइट आपको नजर आ रहा होगा, vidyalakshmi.co.in। इस वेबसाइट में जाके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी तरह से डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा, ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा, आप जितना भी प्रोसेस करेंगे सब आपका ऑनलाइन होगा। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे इस वाले वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद आप इस प्रोसेस को मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पे आपसे जानकारी मांगा जाएगा, जैसे कि आप टाइटल सिलेक्शन करेंगे, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे कैप्चा फिल करके। यहाँ पे आप इसको एग्री कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैसे भरना है फॉर्म। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है एंड यहाँ पे मार्कशीट वगैरह आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अप्लाई करने का प्रोसेस के ऊपर अगला वीडियो में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, आप सभी के लिए अब तैयार हो जाइए इस योजना का लाभ लेने के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कॉमेंट कर दीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।